तो मामला अब डीसी दरबार पहुंच गया है। एमएलए खुद आज सड़कों पर उतरे हैं। आपने देखा पंजंगा बाजार में खुद जो है पानी में निकलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एलएनटी के अधिकारियों की बातचीत जो है हमने आपको सुनवाई। विधायक साहब से बातचीत करते हैं। विधायक साहब, डीसी साहब के पास पहुंच गया मामला, अब क्या हुआ आगे? जब आज थोड़ी देर पहले हम बाजारों में गए, समस्या पता थी। हमारे प्रधान जी और सभी लोग हमारे साथ थे, मदान साहब भी साथ में थे और गुरुद्वारा रोड पे सारी मार्केट हमारे साथ थी, दर्शन जी हमारे साथ थे। तो बड़ी विचित्र बात है कि सारे नाले भरे पड़े हैं। एलएनटी वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमने नाले साफ़ कर दिए हैं, ऐसी कुछ नहीं है, बहुत गाद जमी है इसके अंदर। और उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं पानीपत में? जो जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी उस टेंडर में कई कमियाँ हो सकती है जब वो टेंडर लगा होगा आज से 15-20 साल पहले, लेकिन वो कमियाँ थी। इसका मतलब शहर इसको भुगतेगा, हम इसके लिए तैयार नहीं है। इनको तो ये काम करना ही पड़ेगा, सफाइयाँ करनी ही पड़ेंगी। जब उसका व्यवहार हमने देखा कि उचित तरीके से नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी को एक दूसरे पे थोप रहे थे। इसलिए बोला था पहले जब मानसून चालू होता है एक बारिश होने के बाद में इस बार में ड्रेन साफ करेंगे, पहले हम लोग नहीं करेंगे। एज पर एनएचआई रिक्वायरमेंट हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है, अभी इस बार इतना पानी नहीं आता है ना सर, तब पहले साफ करना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला। अभी ये समझ में आता है ना सर, हम पहले से बोल रहे हैं, इनका दिमाग में पहले से जानता हूँ। मैंने पहले से कराया इसलिए इतना पानी नहीं भरा। तुम नहीं करते पहले तो हाल बुरा होता। वो बुरा होने दीजिए सर, एक बार होने के बाद में कर लेंगे तो बढ़िया है ना सर। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम कर रहे हैं ना। जब चर्चा एक बार होगी, बार बार वही चर्चा, बार बार वही चर्चा है कि किसकी जिम्मेवारी है, ये किसकी जिम्मेवारी है? निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने निश्चित कर दिया है। आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन लोग बोले इसलिए उनका जवाब देना। आप देते हैं जो आप सवाल ये है कि सफाई नहीं हुई, शहर सफर सर भाई 15 दिन पहले हुई है सर, ये इस टाइम नहीं है। चलो आप शब्दों को क्यों पकड़ रहे हैं, आप शब्दों को मत पकड़िए सर। 15 दिन पे हर 15 दिन पे बहस भी मत करिए जी। जवाब दे, शहर को मेरी या आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। बट आई ओ एक्सप्लेनेशन, फिर से आप मुझसे यदि एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा तो मैं आपको देना, मेरा फर्ज है ना। आप जिम्मेदार रहे तो मुझे ये बताना क्या जिम्मेदारी मिलेगा। तो मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, अभी हम डीसी साहब के मीटिंग खत्म करके हटे हैं, कमिश्नर साहब भी यहाँ पे आ गए थे, पंजी हेल्थ के लोग भी थे और शर्मा जी एलएनटी से और उनका स्टाफ भी था। और ये निश्चित किया गया है कि हम इनको नोटिस सर्व कर रहे हैं और उसके अंडर इनको तुरंत प्रभाव से ये पूरा नाला जो दोनों तरफ एलएनटी की पूरी लेंथ जो 3.5 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ ये नाले इनको सार्वजनिक तौर के पूरे साफ करने हैं। और साथ ही साथ इनको मैंने एक बात कही कि आज ऐसी कॉलेज रोड पे 5-6 दिन से ही काम कर रहे हैं और अभी तक वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, शायद आज रात तक हो जाएगा। अगर इतने छोटे टुकड़े में 5-6 दिन लग गए हैं तो जो एरिया हम 6-7 किलोमीटर का आने जाने का बता रहे हैं उसमें तो कई महीने लग जाएंगे। और बारिश तो अभी ट्रायल हुआ है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आया कि 4 दिन बारिश हुई है, बारिश तो अभी आनी है, तो शहर इससे परेशान होगा। तो तुरंत प्रभाव से उस नोटिस के अंतर्गत इनको काम करना है, जिनमें असिस्ट जो करेंगे, कोई साधन इनको और चाहिए, किसी तरह का सहयोग चाहिए और निगम करेगा, कमिश्नर साहब ने प्रॉमिस किया है। लेकिन काम निश्चित तौर पे पूर्ण रूप की सफाई, इसमें एसडीएम साहब नियुक्त हो रहे हैं ऑफिसर जो इसकी देख रेख में इनका काम होगा। और मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर सब जगह काम, मैंने इसे आग्रह किया कि टाइम बार करिए इसको, ऐसा ना हो कि हम ओपन छोड़ दें कि कर रहे हैं जी, इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पहले किया जाए, तो इसके लिए अब लगातार प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, डीसी साहब भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कमिश्नर साहब राहुल जी बहुत इन्वॉल्व हैं, तो ये काम जल्दी से जल्दी एलएनटी को समझ आ जानी चाहिए कि उनकी मनमानी नहीं चल सकती है कि शहर को रैनसम पर रखा हुआ है। शहर की ये जरूरत है जो उनको पूरी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कई सालों से सफाई नहीं हुई इस नाले की, तभी ये हालात बने हुए हैं? मुझे समझ नहीं आती, जब ये फ्लाईओवर बना था इसकी डीपीआर और योजना किसने बनाई, कैसी बनाई कि नाले के ऊपर 50-60-100 मीटर के स्लैब रखे हुए हैं और फिर आगे थोड़ी सी ओपनिंग है, ओपनिंग में साफ़ कर लो, हो जाएगा। वो 50-60 मीटर के 100 मीटर के नीचे कैसे साफ होगा? आज ये भी निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ तोड़ने की जरूरत पड़ती है उसको आप तोड़िए और निगम उसका दोबारा बना के आपको दे देंगे, आप तोड़ के सफाई करवाइए। पार मंडल वाले भी आपके समर्थन में आ गए तो वहाँ गुस्से में देखा, उन्होंने बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा देखिए, दुकानदारी है भैया, छोटी छोटी दुकानें हैं और वाकई उन दुकानों के आगे पानी रुक गया जब बारिश भी नहीं है, तो इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। निगम इसके लिए बहुत
तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एलएनडी वाले सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें नोटिस सर्व करना पड़ा और एसडीएम साहब इसकी देखरेख करेंगे। कब तक करेंगे ये सफाई, कितने दिन का टाइम देना? नहीं, अभी टाइम कल निश्चित होगा। अभी सारा प्लान जाके राजेश कौशिक जी अपनी टीम के साथ कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से नाले तोड़ने हैं जो ऊपर सीवर के ड्रेन के ऊपर कवर हैं, कहाँ कहाँ से तोड़ने हैं वो चिन्हित करने जा रहे हैं। अभी ये उसको चिन्हित करेंगे, थोड़ा थोड़ी शुरू होगी, एक आध दिन के अंदर हमें एक दो दिन में पता लग जाएगा कि काम कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब यही मेन लाइन जो इसी वजह से जो है शहर परले तरफ पानी भरता है बाजारों में। देखिए ढाल भी जो है ना हलवाई अड्डे से सारी ढाल जो है इसी तरफ है सारी ढाल। अब देखिए पीछे बाजारों में पीछे प्रॉब्लम नहीं है, इन चार चौक के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ढाल के कारण भी है, पानी बहुत आता है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है और कर भी रहे। मेरे बात की खुशी है कि मैं जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब कमिश्नर साहब तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली वहाँ पहुँचते हैं, सहयोग करवाते हैं और ये जनता की जो दिक्कत है बहुत जल्दी ठीक करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करें मतलब अगली बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अगले तक तो हमारा टेंडर खुल गया, तीन चार दिन में काम शुरू होने वाला है, जो नाले बनने हैं उससे सही प्रभाव में पानीपत का निदान होगा इस प्रॉब्लम का। चलिए कुछ तो हुआ शहर में, विधायक प्रमोद भी आज सड़कों पर हैं और बहसबाजी जो है एलएनडी के अधिकारी और एमएलए के बीच में आप लोगों ने देखी, आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू को देखकर? आप हमें जरूर लिखें वाशो पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलदीप।